कमल विहार के अंदर बोरिया तालाब को लेकर के ध्यान आकर्षण के माध्यम से पूर्ववर्ती सरकार ने बोरिया तालाब का सुंदरकरण नियमों के विपरीत जाके करने की योजना बनाई। उस योजना में भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, जो इस बात को स्पष्ट दर्शा रहा है कि मास्टर प्लान के पूर्व जब बोरिया कमल विहार योजना का प्रोजेक्ट 1600 एकड़ का था, उसके अंदर एजुकेशन पार्क बनाने के लिए आरडीए का प्रोजेक्ट था, तालाब का सौंदर्यकरण का काम पूर्व में चालू आरडीए के माध्यम से हो रहा था, लेकिन एक बीच में नई स्कीम ला करके जब वो लैंड आपके खाते में नहीं थी, अब आपके खाते में आ गई अमोद प्रमोद में, तो अमोद प्रमोद के अंदर लैंड होने पे कौन कौन से काम हो सकते हैं, कौन कौन से काम नहीं हो सकते हैं, टेंडर निकालो, टेंडर की एनआईटी में आपने कहा कि ठेकेदार लैंड यूज चेंज कराएगा। ये पहली बार देखने को मिला कि जिस लैंड का पर्पस क्या होना चाहिए, वो तालाब के सुंदरकरण के साथ साथ में वहां पर क्या क्या निर्माण होगा, इसकी अस्पष्ट जानकारी के साथ में आप टेंडर आमंत्रित कर लिए और टेंडर स्वीकृत भी कर लिया और टेंडर स्वीकृत करके आरडीए ने टेंडर की प्रक्रिया को आगे फॉलो करना चालू कर दिया। इतने में चुनाव आचार संहिता आ गई, टेंडर ओके नहीं हुआ, लेकिन आरडीए ने ओके कर दिया, सांबला कोर्ट में गया, कोर्ट से कहा कि आर्बिट्रेशन में जाएं, वो आर्बिट्रेशन में लगा है, लेकिन साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व अमोद प्रमोद के नाम्स क्या होते हैं, उसमें किन किन चीजों का निर्माण कर सकते हैं, यह एनआईटी में स्पष्ट करना चाहिए। जरा सरकार की एजेंसी ठेकेदार के भरोसे चले जाए और ठेकेदार बताएगा वह क्या क्या करना है, और वो राज्य सरकार से वो स्वीकृति लेगा, ये आश्चर्यजनक पहली बार पूर्व सरकार का एक कारनामा देखने को मिला रायपुर विकास प्राधिकरण का। माननीय मंत्री जी ने कहा लैंड यूज में अमोद प्रमोद था, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता वह स्पष्ट है, आपने मास्टर प्लान में संशोधन किया क्योंकि उसके पहले तालाब था, तालाब का सौंदर्यकरण का प्रस्ताव था, पूर्ववर्ती सरकार ने मास्टर प्लान में संशोधन किया, वर्तमान सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि मास्टर प्लान का पुनः परीक्षण हो रहा है, तो जिस प्रकार की बंदर बांट करने का काम पूर्व सरकार, पूर्व मंत्री और आईडी के अध्यक्षों ने मिलकर के एक बहुत अच्छी योजना 1600 एकड़ की एक टाउनशिप सरकार की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बनी है, उसकी योजना को ध्वस्त करना, आज कमल विहार की यह स्थिति कर दी है, ना कोई मेंटेनेंस कर पा रहा है ना कुछ किया, सिर्फ उसका नाम माता कौशल्या के नाम करने का पूर्व सरकार ने काम किया, लेकिन वहां कोई काम नहीं किया, और इसीलिए जो खाली जमीन है उन खाली जमीन की बंदर बांट करने का जो काम उन्होंने किया है उसको लेकर के आज मेरा प्रश्न था। मंत्री ने जांच की घोषणा की, संपूर्ण विषय जांच के बिंदुओं में आएंगे और दोषी के खिलाफ में कार्रवाई होगी यह सुनिश्चित है।